हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 सितंबर को भोपाल से लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ किया था, जिसका लास्ट डेट है 5 अक्टूबर। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फॉर्म के लिए फिल नहीं किया है, तो 5 अक्टूबर के पहले फॉर्म फिल कर दें, ये आपको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों, आज का हमारा जो यह वीडियो है, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी माता बहनों के माइंड में ये सवाल चल रहा है कि लाडली बहना आवास योजना की किस्त कब आएगी, पक्के घर हम अपने कब बना सकेंगे। दोस्तों, इस टाइप के वगैरह वगैरह डाउट आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाडली बहना आवास योजना का काम कब शुरू होने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में बिना स्क्रिप्ट के अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि लाडली बहना आवास योजना के तहत जितनी भी जानकारी, सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी थी, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर दी है। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन सारी की सारी मिल जाएगी। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है उसकी ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आपको सामने दिख रहा होगा मध्य प्रदेश लाडली बहना आवास योजना का काम कब शुरू होगा। दोस्तों, इन 5 पॉइंट के माध्यम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। तो पहला पॉइंट है, मध्य प्रदेश में लाडली बहन आवास योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, जो कि 5 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 5 अक्टूबर तक आपका ये प्रोसेस है, लास्ट डेट है लाडली बहन आवास योजना की 5 अक्टूबर। इसके बाद आवेदन के पश्चात सभी महिलाओं के रिकॉर्ड को तैयार किया जाएगा, इस प्रकार से पात्र और अपात्र स्थिति की सूची जारी होगी। तो दोस्तों, आवेदन के पश्चात दो सूची जारी होंगी, जिसमें पात्र और अपात्र हितग्राहियों के नाम दिए रहेंगे। मतलब कि दोस्तों, जिसको लाभ मिलना होगा उनकी भी लिस्ट जारी होगी, और जिनको योजना का लाभ नहीं मिलेगा उनकी भी लिस्ट जारी होगी। दो प्रकार की सूची जारी की जाएगी। तीसरे नंबर पर आपको दिख रहा होगा, अब सभी पात्र महिलाओं को बैंक खाते में सहायता राशि भेजी जाएगी। दोस्तों, पात्र लिस्ट में जितनी भी महिलाओं का नाम रहेगा, बहन माताओं का, उन सभी के बैंक खाते में सहायता राशि भेजी जाएगी, और अपात्र स्थिति सूची वाले हितग्राहियों को अलग कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फोर्थ नंबर पर आपको दिख रहा होगा, यदि आपने आवेदन किया है तो आपके बैंक खाते में किस्तों के अनुसार पैसा डाला जाएगा, और आप अपने पक्के मकान को तैयार करने के लिए उस राशि का उपयोग कर पाएंगे। दोस्तों, जो भी आपको किस्त के अनुसार राशि प्राप्त होगी, उसे आप निकाल कर अपना पक्का मकान तैयार कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर आपको दिख रहा होगा, अनुमानित इस योजना के तहत महिला को दिसंबर 2023 तक लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, अनुमान यही लगाया गया है कि दिसंबर 2023 तक इस योजना में आप सभी को, जितने भी पात्र हितग्राही हैं, आप सभी को पैसा प्राप्त हो जाएगा, किस्त आना स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपकी लिस्ट है वो 15 से 20 अक्टूबर तक आ जाएगी, जो भी महिलाएं, जो भी हितग्राही पात्र होंगे। दोस्तों, यहां पर पांचों पॉइंट के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी कि आपका पैसा किस्त के माध्यम से बैंक अकाउंट में कब तक आ सकता है। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।